नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नई कविता माँ से विनती। चौथी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कविता माँ से विनती। पाठ का उद्देश्य है, प्रस्तुत कविता में बच्चा अपनी माँ से बादल बनने की विनती कर रहा है। बच्चे के माध्यम से कवि के बाल मन के विचारों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे आइए बच्चों, बच्चा अपनी माँ से क्या विनती कर रहा है। बादल मुझे बना दे माँ, सुंदर पंख लगा दे माँ, सागर से ले खारा पानी, कर तू मीठा सारा पानी, खेतों में हरियाली ला दूं, शीतल मुझे बना दे माँ। यानी बच्चा, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि बादल मुझे बना दो माँ, सागर के खारे पानी को भी मीठा बनाना चाहता हूँ और खेतों में हरियाली लाना चाहता हूँ और स्वयं को शीतल बनाना चाहता हूँ। यानी छोटा बच्चा अपनी माँ से विनती कर रहा है, बादल बनकर सागर के खारे पानी को मीठा करना चाहता है, खेतों में हरियाली लाना चाहता है और स्वयं को शीतल बनाना चाहता है। बादल तिनका तक भी रहे ना प्यासा, फूलों के होठों पर आशा, गर्मी से तपते राही पर आंचल मुझे बना दे माँ। यानी बच्चा अपनी माँ से विनती कर रहा है कि वो अपने को बादल बनाने के लिए कह रहा है और भंका लगाने के लिए अपनी माँ से विनती कर रहा है कि वो चाहता है कि कोई भी प्यासा ना रहे और धरती पर कोई भी प्यासा ना रहे, फूलों के अधरों पर यानी ओठों पर उम्मीद लौट आए, गर्मी से परेशानी हुए लोगों को वह बादल बनकर राहत देना चाहता है। बादल मुझे बना दे माँ, ऊंचा मुझे उठा दे माँ, मुझको देख पपीहा बोले, कोयल कानों में रस घोले। यानी बच्चा बता रहा है कि बादल मुझे बना दो माँ और मुझे महान बना दो माँ, काले काले बादलों को देखकर पपीहा प्रसन्न होगा और कोयल कानों में मधुर गीत भरेगा। पपीहा की प्रसन्नता और कोयल की मधुर गीत परस्पर घुल जाएंगे। तो बार बार एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ से यही विनती कर रहा है कि माँ मुझे बादल बना दो और साथ में पंखा लगा दो। बौछारों को लेकर दौड़ूं, चंचल मुझे बना दे माँ, बादल मुझे बना दे माँ, कोमल पंख लगा दे माँ। बौछारों, इसका मतलब है कि मैं पानी की धारा को लेकर दौड़ूं और मुझे चंचल बना दो, क्योंकि पानी एक जगह पर स्थिर नहीं होती है, वो बहती ही रहती है। तो इसलिए बच्चा कह रहा है कि मुझे चंचल बना दो और बादल बना दो और मुझमें कोमल पंख लगा दो, मुलायम पंख लगा दो। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि विनय परोपकार की भावना सुखद कामना। यानी जैसे विनम्रता से
एक बच्चा अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है, वह भावना और दूसरों को उपकार करने की भावना और दूसरों के सुख के लिए जो वह बादल बनना चाहता है, जो दूसरों के हित के लिए कामना कर रहा है। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। तो क्या सीख मिलती है बच्चों इस कविता से? विनय, परोपकार की भावना, सुखद कामना। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थ देखेंगे आइए बच्चों। शब्दार्थ है सागर, समुद्र, खारा, नमकीन, शीतल, ठंडा, होट, अधर। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे, सागर, समुद्र, खारा, नमकीन, शीतल, ठंडा, होट, अधर। तो इसके और भी कुछ शब्दार्थ हैं, तो किताब देखकर पढ़िए, इस कविता को कंठस्थ कीजिए। उम्मीद है कि आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। तो आप इस कविता से जैसी हमें सीख मिलती है, उसी तरह आपको यह कविता सुनकर क्या महसूस हुआ, इसके बारे में लिखी है। धन्यवाद बच्चों।